हाय दोस्तों, ये एक जगह है जहाँ पे आप लोग जंगल में से ही गुजर सकते हैं। अभी जंगली जानवर जैसा हम लोग अभी इसको एंट्री मारेंगे। कैमरा के सामने आप देख सकते हैं कितना बारिश हो रहा है। अभी कर रहे हैं कि बारिश वगैरह जो होते हैं उससे कैसे अपना YouTube चैनल को वीडियो कंटेंट दे सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कहाँ जाते हैं तो कहाँ घूमते फिरते हैं तो एक ब्लॉग बना देते हैं। तो ठीक है, अभी हम लोग एक ब्लॉग बनाया, सोचा कि आपको अच्छा लगेगा। तो जंगल से मैं जा रहा था और सोचा कि एक वीडियो बना दूं, तो वीडियो बना दिया और वीडियो बना के आपका पास मेरा जो एक्टिविटीज है वहाँ पे कुछ आपको दिखाने के लिए मैं सोचा और ये वीडियो अपलोड कर दिया। और देखो, ये वीडियो में कुछ नहीं है, फिर भी आप लोग ये देख सकते हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो उसको कैसे वो अपलोड कर सकते हैं यूट्यूब से। और ये गांव का जो यूट्यूबर होता है, जो गांव का जो कंटेंट क्रिएटर होता है, उसको क्या करना चाहिए। तो मैं मेरा मोबाइल पकड़ा, कैमरा उठा के ऐसे सोचा और सोचा कि एक वीडियो अपलोड करना मेरे को सही होगा, इसलिए मैं एक वीडियो सही चुना और यहाँ पे जो गाड़ी पे ड्राइव करते हुए मैं एक ब्लॉग बना दिया। तो ये ब्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा कि कैसे हमारा गांव जो जंगली एरिया है, जो पहाड़ से गुजर रहे हैं, और वहाँ से कैसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखो, मैं गाड़ी पे अभी बैठ के ब्लॉग कर रहा हूँ, तो आपको शायद अच्छा लगेगा, लगता है मेरे को वीडियो बनाना सही नहीं था, ये वीडियो बनाना सही नहीं था। तो वीडियो बनाने के लिए तो सही टाइम और सही वक्त नहीं चाहिए, अपना मन हुआ ऐसे वीडियो बना दिया और जो मन चाहा वो बना दिया। तो क्या करने का है, देखो ऐसा रोड से मैं हर रोज़ गुजर रहा हूँ, जा रहा हूँ गांव से, तो ऑफिस वगैरह कुछ नहीं है। ऐसे आया था यहाँ घूमने के लिए और हमारा रिश्तेदार का घर था, यहाँ से आ गया। इसलिए वो आगे जाएंगे तो एक मंदिर आएगा, मंदिर से आप देख सकते हैं कि वहाँ से एक जंगल का अंदर ही अंदर सिर्फ और सिर्फ आदमी वगैरह कोई नहीं है, एक बाबा रहते हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मंदिर है और उसका मंदिर का नाम है कालिया संडा बोलते हैं, कालिया संडा। देखो पेड़ कितना गहरा पेड़ है, देखो आप देख सकते हैं पेड़ पौधे पर गया और क्या आपको दिखाऊं। अभी तो ये रोड का काम चल रहे हैं और मैं जा रहा हूँ क्या वहाँ पे हमारा जो मंदिर है, हिंदू टेम्पल है, वहाँ पे जा रहा हूँ। तो अभी बारिश का मौसम आप देख सकते हैं कितना ये से आ रहा है बारिश, सामने से ही बारिश हो रहा है और बारिश से ये बनाना सही लगा। तो जा रहा था, ऐसा मन हुआ एक वीडियो बना दिया। तो ये था हमारा जो मंदिर आपको दिखाया। हिंदू टेम्पल है माँ। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये रास्ते से हर रोज़ लोग आते हैं जाते हैं और कुछ करते हैं, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा गाड़ी में रखता हूँ और गाड़ी रख के क्या करना है कुछ बोलने का है सामने से। गाड़ी रख दिया और सामने से जा रहा हूँ। देखो बारिश हो रहा है, बारिश पे गाड़ी खड़ा होके इसे एक वीडियो बनाया, आपको शायद अच्छा लगेगा। यहाँ तो स्पीकर नहीं है कुछ बोलने के लिए कि बारिश हो रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ शर्ट का जो पहन के आया और नहीं था कुछ। आपको वीडियो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा मेरे को शायद पता नहीं है। और आप जब YouTube बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, आपको एक बात शायद अच्छा लगेगा कि कैसे भी आपको कंटेंट डालना है, कैसे भी आपको सिर्फ और सिर्फ डेली का डेली कंटेंट डालना है, तो आप क्या करने का है, कहाँ भी जाते हैं तो ब्लॉग कीजिए,
कहाँ दिखाना है तो कोई वीडियो ब्लॉग बना के अपलोड कीजिए। तो मैं क्या सोचा, मैं सोचा कि मैं जा रहा था हमारा रिश्तेदार के घर, मैं यहाँ रास्ता से जाऊँगा, फिर ये वीडियो बना देंगे तो लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इम्प्रेशन तो आएगा, क्लिक तो रेट तो बाद में जो आएगा आएगा, तो इम्प्रेशन तो आएगा, लोग कहेंगे सारा क्या वीडियो बनाते हैं नहीं बनाते हैं डेली रेखा डेली। तो यूट्यूब मेरे से ये चाहता है कि तुम कुछ भी करो, मेरे को वीडियो सिर्फ अपलोड करना है, वीडियो डेली का डेली कुछ देना है। तो इसलिए मैं एक वीडियो ऐसा बनाया। और बारिश से देखो मैं आगे जा रहा हूँ, आगे जाएंगे नहीं तो यहाँ रुक जाएंगे तो अंधेरा आ जाएगा मेरे को, ये नहीं तो ठीक है चलते हैं, फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी ऑन किया और गाड़ी स्टार्ट किया, और गाड़ी स्टार्ट करके मेरे को फिर और 5 किलोमीटर जाना है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर हमारा गांव है। तो आपको क्या दिखाऊं कि ऐसा रोड बहुत बड़ा है, आप तो जा सकते हैं, फिर भी आपको क्या करना है कि कुछ दिखाने के लिए लोगों को कुछ सिखाना पड़ता है, कुछ सीखना पड़ता है। आपको कुछ मालूम नहीं है तो आप क्या दिखा सकते हैं, आप तो सही से बोल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से आपको ये करना है कि आप हर रोज़ कुछ सीखो और कुछ लोगों का साथ शेयर करो। मेरा आगे जो बकरियां वाला है, जो बकरियां रखते हैं, लगभग 1000 बकरियां हैं वहाँ मेरे सामने आ रहे हैं, आप देखेंगे, रुको मैं अभी उसका मांस लेके जा रहा हूँ गाड़ी पे। तो आपको कुछ भी दिखाना है तो ब्लॉग चैनल बनाइए, ब्लॉग चैनल बना के ऐसे अपलोड कीजिए, ब्लॉग वगैरह करके आपको कुछ ये करना है। तो बकरिया वाला चला गया है लगता है, तो वहाँ से तो जंगल का तरफ जा रहे हैं, तो इसका बच्चा है वही। रास्ते से जा रहा था और बकरियां वाला उनका बकरियां को संभालता था, तो उनका बकरियां उसका मेहनत का फल होता ये है कि वो हर रोज़ ऐसे बकरियां को लेके जा रहे हैं जंगल के।